नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स स्पेशल ऑनलाइन क्लासेस। अब इन क्लासेस को हम स्पेशल क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इन क्लासेस में कोई भी एक टॉपिक फ्रॉम ए टू जेड सारा डिस्कस करते हैं। आपके हर एक डाउट, जो भी इस टाइप हर टॉपिक में जो भी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, हम उसको एक ही सेशन में, एक ही स्ट्रेच में सारे डिस्कस करते हैं। इसीलिए हमारी ये स्पेशल क्लासेस हैं, राइट? अब देखें, आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं, जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टॉपिक, वो है कोडिंग डिकोडिंग। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके मिनिमम 2-3 क्वेश्चन होते हैं और कई बार 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो उस लिहाज से आपके मेरिट को डिसाइड करने के लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसीलिए आज मैं चाहूंगा कि आप फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ चलिएगा। आपका हर एक टाइप का इसका क्वेश्चन हम टच करेंगे, ताकि एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपका कोई भी डाउट इस टॉपिक में नहीं रह जाएगा। उसके बाद हर एक टाइप के क्वेश्चन आप घर पे बैठ के कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मैंने फर्स्ट अपने सेशन में ये चीज बोली थी कि किसी भी टॉपिक पे अच्छा होल्ड बनाने के लिए प्रैक्टिस करना आपको जरूरी है। हम यहाँ आपको गाइडलाइन दे देंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे किया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे परफॉर्म करते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी जरूर पड़ेगी ताकि उस पर आपका होल्ड अच्छा बन जाए और विद इन मिनट आप हर एक क्वेश्चन को कर पाओ, क्योंकि मेरिट में आने के लिए इसका फास्ट करना बड़ा जरूरी रहता है। नो डाउट, पहले तो हमारा यही प्रियोरिटी रहती है कि हमारे को हर टाइप के क्वेश्चन का पता हो कि इसमें कोडिंग डिकोडिंग में फर्स्ट टाइप के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, सेकंड टाइप के, थर्ड टाइप के, लेकिन उनको तेज जल्दी करना, ठीक है, विद इन टाइम बाकियों से आगे निकलना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस का बड़ा ज्यादा जरूरत रहता है। तो आइए अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते और हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जो है, इसमें बेसिक जो होते हैं 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है अल्फाबेटिक कोडिंग, एक होते हैं न्यूमेरिक कोडिंग, देन मिक्स्ड कोडिंग, और एक आजकल न्यू पैटर्न के कोडिंग आती है, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, जो आजकल नए पैटर्न से पूछा जाता है, राइट? तो पहले हम अपने इन 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे बारी बारी, और आपने क्या करना है, आपने ध्यान से इनको देखना है, समझना है कि ये कैसे हमारे किए जाते हैं, राइट? तो आइए पहले हम अल्फाबेटिक कोडिंग से स्टार्ट करते हैं। अल्फाबेटिक कोडिंग में क्या रहता है, हमारा एक वर्ड दिया होता है और उसका कोड जो होता है वो अल्फाबेटिक कोड ही दिया होता है, उसमें हमारा अल्फाबेटिक लेटर्स का अल्फाबेटिक लेटर्स के साथ कोड दिया होता है, हमने उसको डिकोड करना होता है और उसके बाद उसका आंसर निकालना होता है। तो पहले मैं उसमें कुछ ऐसा बताऊंगा आपको, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, जैसे सपोज करते हैं मैं एक वर्ड ले लेता हूं, लेट प्रॉब्लम बी द वर्ड, लेट से एक प्रॉब्लम्स वर्ड है और उसका कोड गिवन है हमें, लेट इट बी प्रॉब्लम्स इज कोडेड एज क्यू एस पी सी एम एफ एम एंड टी, दिस इज द कोड फॉर प्रॉब्लम्स। एक वर्ड दिया है प्रॉब्लम्स और उसका अल्फाबेटिक ही कोड दे रखा है, मैंने यहां लिख दिया है उसके नीचे क्यू एस पी सी एम एफ एन टी, राइट? नाउ वी हैव गिवन अनदर वर्ड, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, लेट इट बी सॉल्यूशन, दिस इज द वर्ड वी हैव टू डिकोड इट। हमें प्रॉब्लम्स का कोड दिया है क्यू एस पी सी एम एफ एन टी और सॉल्यूशन का हमने निकालना होता है। तो अब मैंने क्या करना है या हमने क्या करना होता है, हमने प्रॉब्लम्स से ये क्यू एस पी सी एम एफ टी एन टी कैसे बना है वो हमने डिकोड करना होता है, और वही जो भी लॉजिक हमारा इनमें लग रहा होगा वही लॉजिक हमने सॉल्यूशन पे लगा देना है। जैसे सपोज कर यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे पी के बाद क्या आता है, क्यू, राइट? तो प्लस वन, आर के बाद क्या आता है, एस, देन ओ के बाद क्या आता है, पी, बी के बाद क्या आता है, सी, एल के बाद एम, ई के बाद एफ, एम के बाद एन, एन एस के बाद टी। दैट मीन्स मेरे प्रॉब्लम्स का कोड क्या किया हुआ है उन्होंने,
हर एक लेटर का प्लस वन यानी कि नेक्स्ट टर्म लिखी हुई है प्रॉब्लम्स के हर एक लेटर के साथ, पी के नेक्स्ट, देन आर के नेक्स्ट, वही मैंने क्या करना है अपने सॉल्यूशन पे लगा दूंगा। अब एस के बाद क्या आता है अगर मैं प्लस वन करूं, दैट इज टी। ओ के बाद क्या आता है प्लस वन, पी। एल के बाद क्या आता है एम, यू के बाद क्या आता है वी, टी के बाद क्या आता है यू, आई, जे, ओ, देन अगेन प्लस वन, पी, एन के बाद क्या आता है अगर प्लस वन करूं ओ। तो आपको ऑप्शन में एक ये वाला आंसर दिया होगा टी पी एम वी यू जे पी ओ, आपने उसको मार्क कर देना है, राइट। हमने क्या किया, जो हमें वर्ड दिया था उसका जो कोड दिया था उसको हमने बिल्कुल उसके नीचे सिमेट्रिकल लिख दिया, और हमने फिर डिकोड किया कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। जो लॉजिक हमारा वहां पे लग रहा होगा तो वही लॉजिक हमने जो दूसरा वर्ड गिवन होगा जिसका कोड उन्होंने पूछा होगा हमने वो वहां पे अप्लाई कर देना है। तो दिस इज दिस सिंपलेस्ट वे टू डू दीज क्वेश्चंस। लेकिन आपको क्या करना है, कोड जो होगा उस वर्ड के बिल्कुल नीचे लिखना है सिमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि हमेशा जो होते हैं कोड वो सिमेट्रिकल, फर्स्ट लेटर के साथ फर्स्ट के साथ नहीं दिया होता, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ नहीं। क्योंकि देखो अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अगेन आई विल टेक अ सेम वर्ड प्रॉब्लम्स, मैं फिर से यही वर्ड लूंगा, राइट। अब मैं इसको देखो क्या कोड लगाता हूं, सपोज करते हैं एस एम ई एल बी ओ आर पी। अब यहां पे अगर मैं देखूंगा कि यार फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर के साथ कोड, सेकंड लेटर का, सपोज करते हैं मैं इसको देखना शुरू करता हूं पी क्यू आर एस यानी कि प्लस थ्री, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी ए बी सी डी ई एफ जी एच I, J, K, L, यानी कि मेरे कितने प्लस 16 प्लस 18 करके ये M आता है। देखो ये कोई लॉजिक नहीं लग रहा, प्लस 3 प्लस 18, अगला मैं करूंगा तो ये O, P, Q, R, S, T वापस A, B, C, D चले जाएगी। तो ये हमारा कोई कोड नहीं बना। इसका मतलब जब हमारा कुछ ऐसे हो रहा होगा, सपोज करते हैं फर्स्ट के साथ मैंने फर्स्ट को देखा, सेकंड के साथ सेकंड को देखा, तो अजीब सा लॉजिक बन रहा है प्लस 3 प्लस 18 प्लस 10, तो ये कोई लॉजिक नहीं रहता। फिर हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है यार कोई क्रॉस में, राइट, रिवर्स में कोई दूसरा लॉजिक लग रहा होगा। जरूरी नहीं होता फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर के साथ कोड दिया हो, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे क्या हो रहा है, मुझे सॉल्यूशन का निकालना है। सपोज करो दिस इज द सेकंड वर्ड जिसका मुझे कोड निकालना है, प्रॉब्लम्स का मुझे गिवन है। तो यहां पे देखें, अगर आप देखें एस यहां पे लास्ट है उसको उसने फर्स्ट कर दिया है, एम यहां पे सेकंड लास्ट है ये सेकंड बन गया, ये ई यहां पे आ गया, एल बी ओ आर पी। तो हमारा यहां क्या हो रहा है, सारा वर्ड जो भी लेटर्स दे वो रिवर्स हो रहे हैं वर्ड के, राइट। और कि जरूरी नहीं है कि वर्ड जो गिवन है उसके हर एक लेटर का सिमेट्रिकल कोड हो, वो हो सकता है जंबल्ड इधर उधर भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सेकंड एग्जांपल दी थी कि ये रिवर्स में था सारा, जो प्रॉब्लम्स का एस लेटर लास्ट में है वो इसका फर्स्ट लेटर बन जाता है हमारे कोड में, तो ये रिवर्स में था, राइट। तो अब इसका अगर मेरे को कोड निकालना हो सॉल्यूशन का तो क्या करेंगे हम, एन ओ आई टी यू एल ओ एस, तो आपको एक यहाँ पे ऑप्शन गिवन होगा उसको हम मार्क कर देंगे, दैट इज योर कोड फॉर सॉल्यूशन। ओके, सो अल्फाबेटिक में भी हमारे कुछ जरूरी नहीं रहता कि सिमेट्रिकल हमारा कोड दिया हो, हमारा इधर उधर शफलिंग या रिवर्स में भी हो सकते हैं, राइट। और कई बार एक और एग्जांपल मैं जरूर देना चाहूंगा ताकि आपको अल्फाबेटिक के हर एक टाइप का थोड़ा पता लग जाए। कई बार क्या करते हैं वो, जैसे मैं फिर से सेम वर्ड लूंगा प्रॉब्लम्स और उसको वो कोड लगाऊंगा, then we have to find the code for solution. This is the word problems. ये इसका third type. अब देखो कई बार ऐसा होता है अब इसमें अगर मैं ऐसे करूंगा सिमेट्रिकल तब भी नहीं आ रहा, पूरा रिवर्स वो भी नहीं आएगा, या एस के साथ सी है वो कोई प्लस माइनस करके
कुछ भी नहीं बनता। तो अब यहां पे क्या है, मैं आपको ये एग्जांपल देना चाहूंगा। यहां पे इसने वर्ड को ब्रेक किया है हाफ में, दैट मींस फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, राइट। चार हमारे फर्स्ट, यहां पे हमारा जो वर्ड था दैट इज ऑफ एट लेटर्स, तो हमने फोर फोर लिए। वहां पे हो सकता है सिक्स लेटर का वर्ड हो तो थ्री थ्री वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा। अब इसने फर्स्ट हाफ को क्या किया है, प्लस वन, पी प्लस वन क्यू, आर प्लस वन एस, ओ प्लस वन पी, बी प्लस वन सी, यहां पे इनको रिवर्स करके प्लस वन किया है। यहां पे अगर मैं देखूं तो इसने क्या किया हुआ है, के से नेक्स्ट टर्म तो होती है एल एम, लेकिन यहां पे के है दैट मीन माइनस वन, ई से पहले क्या आता है डी, एम से पहले एल और एस से पहले आर, दैट मीन्स इसने फर्स्ट हाफ में प्लस वन करके रिवर्स किया है सबको और सेकेंड हाफ में इसने माइनस वन करके रिवर्स किया है सबको। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, राइट। तो आपको ये चीजों को ध्यान रख के ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट। फिर मैं कहूंगा प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना होल्ड इन क्वेश्चंस में बनता है। ये मैंने आपको अल्फाबेटिक कोडिंग की कुछ एग्जांपल्स दी जो कि बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है, राइट। तो आपने अब बैठ के ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चन, जब तक आप कोई 20-25 क्वेश्चन खुद से नहीं करोगे तब तक ये समझ में कम आएगा, लेकिन अगर वो 20-25 क्वेश्चन को कर लोगे तो आपका होल्ड अच्छा बन जाएगा इस टाइप पे, राइट। तो अब आते हैं हम, ये हमारा था फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग में जो पूछे जाते हैं इनको बोलते हैं अल्फाबेटिक कोडिंग, क्योंकि इनका कोड जो होता है वो अल्फाबेट्स के ही वर्ड्स, अल्फाबेटिक लेटर का अल्फाबेटिक लेटर के साथ कोड दिया होता है। अब आते हैं हम सेकंड टाइप पे, इसको कहा जाता है न्यूमेरिक कोडिंग। अब यहां पे क्या रहता है, ये वाला जो होता है मैक्सिमम बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है। जो अल्फाबेटिक कोडिंग हमने फर्स्ट किया उसमें फिर भी मैक्सिमम बच्चे उसको ठीक करते हैं, लेकिन जब ये न्यूमेरिक कोडिंग का क्वेश्चन आता है तो यहां पे बच्चे पजल होते हैं, क्योंकि इस पे भी तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बच्चे एक ही टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व, जैसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन उन्होंने कहीं पे पढ़ा है, बाकी क्वेश्चंस को भी वैसे ही सॉल्व करने का सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, राइट। इसमें भी हमारे तीन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं न्यूमेरिक कोडिंग में। तो आइए देखते हैं, हम वन बाय वन को सबको सॉल्व करूंगा, आप समझिएगा। जैसे फर्स्ट मैंने यहां पे एग्जांपल लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है ट्रेड इज कोडेड एज 71294, प्रे इज कोडेड एज 6128, आर्टरी, हाउ आर्टरी बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखें अगर हम इसको यहां पे देखते हैं तो मेरा ट्रेड में और प्रे में, पहले मैं देखूंगा विच आर द कॉमन लेटर्स इन बोथ द वर्ड्स, कौन कौन से लेटर है, टी यहां पे नहीं है, आर दोनों जगह है, आर का कोड दोनों, अगर मैं दोनों वर्ड्स में देखूं आर का कोड मेरा क्या है, वन है, राइट। देन ई बिल्कुल इसमें भी है, ई का यहां पे भी टू है, ई का यहां पे भी टू है, ए यहां पे नहीं है, डी यहां पे नहीं है। मेरे ट्रेड और प्रे में दो लेटर्स कॉमन है और दोनों में उनका जो कोड है, ये बहुत ध्यान से देखना जरूरी है, दोनों में उनका कोड इज सेम, कोड इज सेम इन बोथ द वर्ड्स, राइट, फॉर आर एंड ई, दैट मींस इनके सिमेट्रिकल कोड है, सबके सिमेट्रिकल कोड होंगे, क्योंकि R का यहां पे भी वन है, यहां पे भी वन है, E का यहां टू है, यहां पे भी टू है, दैट मींस यहां सबके कोड सिमेट्रिकल होंगे, राइट। अब मुझे आर्टरी का निकालना है, मैं यहां पे देखता हूं A का क्या है, नाइन, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, नाइन। R का क्या है, वन, यहां पे मैं वन लिख दूंगा। T का क्या है, दैट इज सेवन। E का क्या है, टू, अगेन R का क्या है, वन, और Y का हमारा क्या है, एट। That means हमारा आर्टरी का कोड आ जाता है 917218, राइट। तो जो कि हमारे ऑप्शंस में गिवन होगा, एक आपने उसको मार्क कर देना है। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिक कोडिंग का क्वेश्चन था जिसमें हमारे सिमेट्रिकल कोड रहते हैं, राइट। अब आते हैं हम सेकेंड टाइप का न्यूमेरिक कोड में, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को करने का देखते हैं। सिस्टम इज कोडेड एज 131625, हमें टर्म्स का निकालना है कि टर्म्स का कोड क्या रहेगा, ओके। अब देखें यहां पे अगर मैं देखूं, यहां पे भी मेरा सिस्टम में कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है, एस रिपीट हो रहा है,
एस मेरा रिपीट हो रहा है, अच्छा देखें हमारा जो ये सिस्टम में एस हमारा रिपीट हो रहा है और दोनों जगह हमारा एस क्या है, सेम कोड है हमारा, दोनों केसेस में दोनों एस जहां है वहां पे के हमारा कोड क्या है, वन है, दैट इज सेम। इसका मतलब यहां पे भी हमारे नो डाउट, हमारे यहां पे भी क्या रहेगा, कोड हमारे बिल्कुल सेम रहेंगे, सिमेट्रिकल रहेंगे, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अब यहां पे जब मुझे टर्म्स का कोड निकालना है, वहां पे एक लेटर ऐसा है जो मेरा यहां पे नहीं है, जैसे ट्रेंड और प्रे में मेरे सारे लेटर्स का कोड मिल गया, लेकिन जब मैं टर्म्स का निकालूंगा तो टी का क्या है यहां, 6, ई का मैं लिखूंगा 2, आर का क्या लिखूंगा, यहां पे है ही नहीं आर, एम का क्या रह जाएगा 5 और एस का आ जाएगा 1। अब यहां पे मेरा आर नहीं है, सिस्टम में मेरा आर लेटर नहीं है और बाकियों का कोड मैंने निकाल दिया 6251, लेकिन ये ब्लैंक बीच में आर की जगह मैंने ब्लैंक डाला है। अब ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं याद रखना, ये हमारे ऑप्शंस के बिना नहीं होते, हमें ऑप्शन गिवन होगा, हम ऑप्शंस के सहारे या ऑप्शंस की मदद से वी विल टेक द हेल्प ऑफ द ऑप्शंस, विदाउट ऑप्शंस हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो चले देखते हैं ऑप्शन कैसे हेल्प करेगा हमारी। पहला ऑप्शन देखो, अब मेरा आर का कोड ऐसा होना चाहिए मेरे ऑप्शंस में जो कि 1, 3, 1, 6, 2, 5 इनको छोड़ के बाहर से होना चाहिए कोई, चाहे वो 4 होगा, 9 होगा, 0 होगा, कुछ भी हो लेकिन इनके अलावा होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया था 6, 2, 2, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं मेरा 2 किसके लिए है, ई के लिए, तो वो आर के लिए नहीं हो सकता, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज रॉन्ग, ए ऑप्शन को मैंने कैंसिल कर दिया। फिर आते हैं हम बी ऑप्शन पे, यहाँ पे दिए 6, 2, 4, 5, 1, 6, 2 ठीक है, 5, 1 भी ठीक है और आर की जगह इसने 4 दिया है और वो इनके आउट ऑफ दीज जो हमारे गिवन कोड है इनके अलावा है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, राइट। मैं सी और डी को भी डिस्कस करूंगा कि वो गलत कैसे हैं, राइट। देखें जरा 6, 4, 2 नहीं होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए 6, 2, राइट, तो यहां पे 6, 4 लिख दिया इसने, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। डी ऑप्शन पे आते हैं, यहां पे लिखा है 6, 2, 4, 1, 5, हमारा क्या होना चाहिए 5, 1, 6, 2 यहां पे तो ब्लैंक है, 5, 1 होना जरूरी है, यहां पे क्या है 1, 5, दैट मीन्स डी ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, एंड व्हाई सो, ये मैंने बता दिया आपको, क्योंकि ये सिमेट्रिकल कोड थे, टी का हमें पता है 6, ई का पता है 2, एम का पता है 5, एस का पता है 1, आर के लिए हमारा कोड ऐसा होना चाहिए जो कि जो हमारे पास ये गिवन न्यूमेरिक नंबर है इनके अलावा, वो 4 भी हो सकता था, 7 भी हो सकता था, 9 भी हो सकता था, 0 भी हो सकता था, लेकिन यहां पे हमारे एक ऑप्शन में उन्होंने 4 दिया, बाकी सारे ऑप्शन हमने क्या किए गलत। अब यहां पे आपने क्या करना होता है, यहां पे हमने ऑप्शंस को गलत करना होता है, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आप हम गलत नहीं बोल सकते, तो दैट इज योर राइट आंसर। तो ये फर्क था हमारा न्यूमेरिक क्वेश्चन पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल में और क्वेश्चन नंबर 2 एग्जांपल में, राइट। अब इसकी एक थर्ड एग्जांपल और दूंगा, अब इसमें तीन टाइप के, मैंने पहले बताया न्यूमेरिक कोडिंग में तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट और सेकंड हमारा डिस्कस हो गया, आइए अब देखते हैं हमारा इसमें थर्ड टाइप का क्वेश्चन। आसिफ शाह बिल्कुल सही, 6, 2, तो 4 मैंने कह दिया आपको कि 4 होना चाहिए उस ब्लैंक की जगह, राइट। तो बाकी ऑप्शन हमारे बिल्कुल गलत हो जाएंगे, क्योंकि उनमें कईयों में 6, 2, 5, 1 नहीं है, कईयों में 6, 4 है, पहले वो सी ऑप्शन में, उसमें लास्ट में 1, 5 है, वो भी गलत कर दिया, और यहाँ पे 6, 2, 2 था, वो भी गलत कर दिया, राइट। तो आते हैं अब हम इसका थर्ड टाइप में, राइट। थर्ड टाइप है हमारा ब्रास इज कोडेड एज 6, 3, 5, 1, 6, हाउ सर बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज, राइट। तो आइए अब हम देखते हैं इसको कैसे करना है हमने। देखो ये फर्स्ट और सेकंड से बिल्कुल डिफरेंट एग्जांपल है, कैसे देखने में तो आपको, आप जब इसको पहले देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसको करने का तरीका बिल्कुल अलग है। कैसे देखें, इधर ब्रास का कोड दे रखा है इसने 6, 3, 5, 1, 6,
अब अगर मैं यहां पे देखूं तो मेरा एस रिपीट हो रहा है ब्रास में, लेकिन हमारा कोड उसका एक जगह वन है एक जगह सिक्स है, दैट मीन्स हमारे सिमेट्रिकल कोड नहीं है। हम इसको सिमेट्रिकल कोड नहीं बोल सकते, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो यहां पे हमारा सेम होने चाहिए कोड, सेम लेटर के कोड भी सेम होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए ये सारे जंबल्ड हैं। यहाँ पे कोड सबके जंबल्ड हैं। अगर मैं बोलूँ आर का कोड क्या है, आपने क्या बोलना है, सर इन्हीं में से होगा, आउट ऑफ दीज फाइव हमें पता नहीं है कौन सा, लेकिन होगा इन्हीं में से। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल कोड नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरा एस का कोड दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक जगह वन है एक जगह सिक्स है, दैट मीन्स ये जंबल्ड है कोड, राइट। तो ये हमारा इस टाइप के क्वेश्चन को आपने और थोड़ा ध्यान से समझना है। हमने निकालना किसका है, सर का। तो अब देखें इधर, मेरा ब्रास में दो बार एस लेटर है, और अगर मैं देखूं मेरा जो कोड दे रखे हैं उनमें कौन सा न्यूमेरिक नंबर दो बार है, अगर मैं देखूं 6, 3, 5, 1, 6, मेरा सिक्स ऐसा न्यूमेरिक नंबर है जो दो बार है, राइट। इसका मतलब मेरा एस का कोड क्या हो जाएगा, एस का कोड मेरा सिक्स हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि मेरा ब्रास में एस दो बार है, और न्यूमेरिक नंबर में अगर मैं देखूं जो कोड गिवन है उसमें सिक्स दो बार है, दैट मींस मेरा एस का सिक्स कोड रहेगा, राइट। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि एस के नीचे यहां सिक्स दिया, अगर सपोज करो यहां पे सिक्स दिया होता यहां फाइव दिया होता तब भी मेरा एस का कोड क्या होता, सिक्स होता, क्योंकि एस यहां दो बार है और यहां कौन सा न्यूमेरिक दो बार है, सिक्स दो बार है, दैट मींस एस का सिक्स होगा, राइट। अब मेरा इसका मतलब सर में आप ऐसे नहीं बोल सकते, जब ये कोड जंबल्ड होते हैं दैट मींस हमारे आंसर में भी जंबल्ड हो सकता है सब कुछ। हम ये नहीं बोलेंगे कि एस के नीचे सिक्स होना चाहिए, नहीं, एस का कोड सिक्स है, हमने बोलना है सर में कहीं ना कहीं एक जगह मेरा सिक्स होना जरूरी है, वो चाहे फर्स्ट प्लेस पे हो, चाहे सेकंड प्लेस पे, चाहे थर्ड प्लेस पे, बट आई वॉन्ट 1, 6 इन द कोड ऑफ सर, वो मेरा होना जरूरी है। लेकिन वो किस प्लेस पे होगा उसका कोई मैटर नहीं करता, वो फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, इट डजंट मैटर, राइट। तो आइए अब देखते हैं, हम एस का सिक्स है, अब दूसरा मेरा कौन सा लेटर जो सर का है, जो इसमें है ब्रास में, दैट इज आर। आर हमारा किसमें है, ब्रास में है। अब आर का कोड क्या होगा, आर का कोड जरूर, ऐसा नहीं बोलना कि सर बिल्कुल इसके नीचे थ्री है तो वो होगा, मैंने पहले ही बोला है ये जंबल्ड कोड है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बी का सिक्स होता, एस का नहीं होता, लेकिन मैंने बोला एस का हमारा सिक्स है। आपने बोला सर आर का या तो थ्री होगा, या तो वन होगा, या तो फाइव होगा, क्योंकि सिक्स तो हमारा निकल चुका है, तो हमारा या तो थ्री होगा, या तो वन होगा, या तो फाइव होगा, राइट। तो इनमें से हमारा कोई ना कोई कोड होगा, किसका, आर का। तो अब हमारे ऑप्शन में क्या होना चाहिए, देखो मैं क्या करता हूं, अब मैं ऑप्शन के बिना, ये इस वाले टाइप का क्वेश्चन भी हमारा ऑप्शन के बिना नहीं होता, हमें ऑप्शंस कैंसिल करने, एक ऐसा ऑप्शन होगा जो हमारा गलत नहीं होगा उसको हम टिक कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, हमारा एक सिक्स होना जरूरी है, और 3, 1, 5 में से आर का कोई एक कोड होगा, या तो थ्री होना चाहिए, या तो वन होना चाहिए, या तो फाइव होना चाहिए, राइट। और एक आई, सर में एक आई ऐसा लेटर है जो कि हमारा ब्रास में नहीं है, तो आई के लिए कोड हमारा कौन सा होना चाहिए, इन न्यूमेरिक नंबर के अलावा, 6, 1, 5, 3 के अलावा, वो 4 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, राइट। तो हमने क्या करना है, 6 का होना जरूरी है, आउट ऑफ दीज 3, यानी कि 3, 1, 5 में से कोई भी एक, और साथ में एक न्यूमेरिक नंबर इनके अलावा कोई भी होना चाहिए। तो देखते हैं, हम ऑप्शंस में चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखें, 6, 3, 1, 6 है बिल्कुल सही, लेकिन 3, 1 दोनों नहीं होने चाहिए, या तो 3 होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, आर के लिए क्योंकि एक ही होगा, बाहर से एक न्यूमेरिक नंबर होना चाहिए, वो है नहीं इसमें, तो दैट मींस ए ऑप्शन को हम कैंसिल कर देते हैं। बी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे 3, 1, 5, सी इसमें 6 है ही नहीं, तो 6 का होना तो जरूरी है एस के लिए, दैट मींस ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाता है। सी ऑप्शन में अगर हम देखें 5, 3, 6, 6 तो है, लेकिन मैंने कहा था आउट ऑफ 3, 1, 5 कोई भी एक न्यूमेरिक नंबर होना चाहिए, यहां पे 2 हैं, दैट मींस ये भी गलत हो गया। अब डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहां एस के लिए 6 दिया है, आउट ऑफ 3, 1, 5 हमारा 1 दे रखा है, देखें अगर आप 1 दिया हुआ है,
और एक बाहर से न्यूमेरिक नंबर दे रखा है, कौन सा? 7. दैट मीन्स इस ऑप्शन को मैं गलत नहीं करूंगा, तो डी इज द राइट ऑप्शन. तो ये हमारे न्यूमेरिक कोडिंग में तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं. एक होते हैं सिमेट्रिकल दे रखा होता है और उसके ऑप्शन सारा लेटर्स के कोड दिए होते हैं. एक होता है जिसमें सिमेट्रिकल तो दिया होता है लेकिन हमारे सब लेटर्स के कोड नहीं गिवन होते, फिर हम ऑप्शन के साथ उसको करते हैं. और तीसरे टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें हमारा जंबल्ड कोडिंग होती है. ठीक है, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड लेटर, ऐसा नहीं होता, जंबल्ड कोडिंग होती है. उसको भी फिर हम ऑप्शंस की मदद से करते हैं, लेकिन पहले हम उसको ऐसे करके निकालते हैं कि जो कॉमन चीजें हैं, जो सिमिलर लेटर्स हैं, उनका कोड क्या हो सकता है, ऐसे करके तो उसके बाद हम उसको आंसर करते हैं. तो ये हमारे, हमने दो टाइप के अपने कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स टच कर लिए. इनमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, राइट. तो अब आते हैं हम अपने तीसरे टाइप पे, ना? तो थर्ड टाइप अब हम करते हैं. दानिश लिखता है, वेरी गुड, ठीक है, समझ आ गया, गुड. तो चलें अब इसको हम थर्ड टाइप जो मिक्स्ड कोडिंग रहती है उसको भी हम एक बार कर लेते हैं. अब यहां पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो मिक्स्ड कोडिंग का है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे. हमें क्या होता है इस मिक्स्ड कोडिंग में, हमें एक सेंटेंस गिवन होता है और उसके साथ उसके कोड दिए होते हैं. अब कभी कभी क्या होता है, उस सेंटेंस के आगे जो कोड दिए होते हैं वो दिए होते हैं न्यूमेरिक नंबर, 1, 3, 5, 2 ऐसे करके दिया होता है. और कई बार क्या होता है, कोई लैंग्वेज लिखी होती है, जैसे यहाँ पे लिखा है ZIK, PIK, LIK, HIK, कुछ भी ऐसे करके लिखा होता है, राइट. दोनों का करने का तरीका सेम है, चाहे न्यूमेरिक नंबर के साथ कोड दिया हो, चाहे उन्होंने कोई ऐसे लेटर्स दे रखे हो, कोई लैंग्वेज दे रखी हो, करने का जो मेथड रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा. आपने ध्यान से इसको समझना है, फिर चाहे वो न्यूमेरिक के साथ कोड दिए हो, चाहे ऐसे करके दिए हो, आप उसको यू आर एबल टू डू दैट, राइट. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू शो यू हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट, मिक्स्ड कोडिंग. अब देखो यहाँ पे मेरे को पहला क्या दे रखा है, सेंटेंस वी आर रीचिंग बॉम्बे means ZIK, PIK, LIK, HIK. Then Bombay is really beautiful. GIK, HIK, MIK, NIK. Then is Mohan reaching there? That is LIK, TIK, CIK, GIK. We really need Mohan, MIK. और आपको तीन क्वेश्चन साथ में पूछे गए हैं, राइट. तो अब पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कोड फॉर बॉम्बे. तो हमने पहले क्वेश्चन में देखा, पूछा क्या है, बॉम्बे का कोड बताओ. मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले देखूंगा कि मेरा बॉम्बे जो है वो किस किस सेंटेंस में गिवन है. अगर मैं देखूं फर्स्ट में क्या, वी आर रीचिंग बॉम्बे, तो हमारा बॉम्बे है फर्स्ट से में, बॉम्बे इज रियली ब्यूटीफुल, सेकंड सेंटेंस में भी हमारा बॉम्बे है, तो दोनों में बॉम्बे है, बाकी कहीं आपको बॉम्बे नहीं दिखेगा. अब एक और चीज आपने देखनी होती है सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन में, एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई और वर्ड कॉमन तो नहीं है इनमें. जैसे अगर मैं बोलूं वी आर रीचिंग बॉम्बे इज रियली ब्यूटीफुल, दैट मीन्स इन दोनों सेंटेंसेस में सिर्फ हमारा बॉम्बे इज कॉमन, राइट, और कोई भी हमारा दूसरा वर्ड कॉमन नहीं है. इसका मतलब इसका कोड भी, जो इस लैंग्वेज ये जो लिखी हुई है इसमें, इसका कोड भी सेम होगा, राइट. तो हमने वो कॉमन चीज जो है, कॉमन कोड निकाल लेना है, राइट. जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर देखूं ZIK, PIK, LIK, HIK, GIK, HIK, HIK इज कॉमन. अगर मैं देखूं मेरा बॉम्बे यहां पे, ये मेरा बॉम्बे, यहां पे भी बॉम्बे, और अगर मैं देखूं यहां पे मेरा HIK कॉमन है, तो हमारा बॉम्बे का कोड क्या हो गया, HIK. तो बॉम्बे इज कोडेड एज HIK, राइट. तो ये हमारा कोड हो गया बॉम्बे का. अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, कहता CIK स्टैंड्स फॉर. अब हमारा CIK है कहां, पहले मैं ये देखूंगा, हमारा CIK जो है वो है हमारा थर्ड सेंटेंस में, राइट. थर्ड सेंटेंस में मेरा CIK है, और कहीं पे CIK है नहीं, तो इसका मतलब मैं उसको कॉमन करके नहीं कर सकता. अब मैं क्या करूंगा,
बाकियों के कोड निकाल लेते हैं हम। जैसे सपोज करो मैं थर्ड सेंटेंस को बाकियों के साथ कंपेयर करूंगा, अगर मैं थर्ड को करूंगा फर्स्ट के साथ, अगर आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, एल आई के कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में एल आई के इज कॉमन, दैट मीन्स एल आई के का यहां पे हमारे सेम चीज होगी जो एल आई के लिए होगी। अगर मैं देखूं फर्स्ट और थर्ड में क्या है, रीचिंग इज कॉमन, कौन सा वर्ड कॉमन है, रीचिंग, दैट मीन्स हमारा रीचिंग का कोड हमारा निकल गया। रीचिंग हमें निकालना नहीं है, लेकिन सिक का निकालने के लिए हमें रीचिंग का भी निकालना पड़ा। रीचिंग का मेरा कोड हो जाएगा एल आई के, एल आई के, राइट, रीचिंग का कोड निकल गया हमारा फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर किया। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड को अगर कंपेयर करूंगा, अब देखो यहां पे मेरा एल आई के निकल चुका है, इसका मतलब उसका हो चुका है किसका, रीचिंग का, तो इसको मैंने बाहर कर दिया, इसका मतलब रीचिंग का हमारा सी आई के नहीं हो सकता। अब आते हैं हम थर्ड और सेकंड को करते हैं कंपेयर, इनमें कॉमन क्या है, जी आई के, जी आई के, और अगर हम वर्ड पे जाएं तो कौन सा कॉमन है, वर्ड इज, तो इज हमारा हो गया बाहर, इज का हमारा क्या कोड आ जाएगा, जी आई के, तो इज का कोड आ गया हमारा, यहां पे हम लिख देते हैं इज का कोड आ गया जी आई के, राइट। तो इज का अगर पूछा होता तो हमारा क्या होता, जी आई के। अब आते हैं इसका मतलब इज का भी हमारा सी आई के कोड नहीं है। अब अगर हम इस थर्ड सेंटेंस को कंपेयर करें लास्ट के साथ, तो अगर आप देखोगे तो क्या है इसमें, टी आई के, टी आई के और टी आई के, इसका मतलब वर्ड कौन सा कॉमन है इनमें, मोहन, तो मोहन का कोड क्या आ गया, टी आई के। तो अगर मैं यहां पे लिखूंगा मोहन इज कोडेड एज टी आई के, राइट, ठीक है, गुड आफ्टरनून बच्चे, सुर भी लिखते गुड आफ्टरनून है। अच्छा देखिए अब मोहन का भी टी आई के आ गया, राइट, तो ये हमारा हो गया। अब मेरा बचा क्या है, अगर मैं देखूं एल आई के भी निकल गया, टी आई के भी निकल गया, जी आई के भी निकल गया, जी आई के किसका, इज का, तो सी आई के का क्या कोड बचा है हमारा, इज भी हो गया, मोहन भी हो गया, रीचिंग भी हो गया, देयर बचा हुआ है, तो इसका मतलब हमारा देयर का कोड क्या होगा, हमारा देयर का कोड होगा सी आई के, राइट। तो हमें सी आई के ही निकालना था, इसने बोला था सी आई के किसके लिए है, तो वो किसका आ जाएगा, देयर का कोड आ जाएगा। ऐसे करके हमें करना होता है, अगर तो चीज कॉमन दे रखी है तो कॉमन करके हम देख लेंगे, लेकिन यहां पे सी आई के किसी और सेंटेंस में नहीं था, तो मैंने क्या किया, बाकी वर्ड्स का निकाल लिया, जो बच गया वो हमारा सी आई के का होगा, राइट। दोनों तरीके, ये तभी मैंने क्वेश्चन लिया था ताकि आपको पता लग जाए, कॉमन करके भी कर सकते हैं और बाकियों का कोड निकालो, जो बच जाएगा वो उसका कोड होगा। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन भी मैंने गिवन लिखा हुआ यहां पे, मोहन रीचिंग बॉम्बे, कहता अगर इस लैंग्वेज में लिखना हो मोहन रीचिंग बॉम्बे तो कैसे लिखेंगे, मोहन रीचिंग बॉम्बे। अब देखते हैं अगर हमने इन वर्ड्स के कोड निकाल लिए हैं तो मैं यहां लिख देता हूं, अगर नहीं निकाले तो निकाल लेते हैं। मोहन का निकाला हमने, बिल्कुल टी आई के निकला हुआ, रीचिंग का निकाला है, बिल्कुल एल आई के निकाला हुआ, और बॉम्बे का सबसे पहले निकाला था एच आई के, तो हमारा इन तीनों का कोड हमने निकाल लिया, तो टी आई के, एल आई के और एच आई के, जो भी ऑप्शन गिवन होगा उसको हम मार्क कर देंगे। अब यहां पे एक जगह और बच्चे गलती करते हैं, वो गलती कौन सी करते हैं, अगर ये ऑप्शन दिया होगा टिक, ये लिया टी आई के, एल आई के, एच आई के, अगर आपके ऑप्शंस में कोई दिया हो एल आई के, एच आई के और टी आई के, यानी कि ये जंबल्ड दियो, दिए यही तीनों लेकिन जंबल्ड दियो, तो क्या ये आंसर ठीक होगा या गलत होगा, तो बच्चे ये बिल्कुल हमारा सही होता है, क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस है, ये जो क्वेश्चन गिवन होता है इसमें सब जंबल्ड होता है, तो हमारे आंसर में भी अगर जंबल्ड चीज दे रखी है लेकिन दिए यही तीन कोड होने चाहिए, तो बाकी जंबल्ड हो फिर भी हम उनको टिक करके आते हैं। कई बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इसको क्रॉस करके आ जाते हैं, क्योंकि हमारा टिक टी आई के, एल आई के, एच आई के नहीं दिया था सर, लेकिन ये नहीं वो देखते कि ये जंबल्ड दिए थे, राइट,
तो आपने इसको बिल्कुल सही मार्क करना है, इसको गलत नहीं करना अगर ये जंबल्ड भी दे रखे हो, राइट। तो ये हमारे थर्ड टाइप के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में जो पूछे जाते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया अभी, राइट। तो अब इसका मैंने आपको कहा था एक न्यू पैटर्न क्वेश्चन आते हैं, वो समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। आजकल बैंकिंग में मैंने खासकर देखा है, राइट, आईबीबीएस में, पीओ वगैरह एग्जाम में इनको पूछा जाता है। ये बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं, पहले जो हमारा पूछे जाते थे रट में क्वेश्चन पहले से पूछे जाते थे उनसे थोड़ा अलग हट के ये क्वेश्चन आजकल डालते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, राइट। तो किसी किसी सेट में आ जाता है, तो आपको ये वाला टाइप भी मैं समझा देता हूँ ताकि आपके सारे टाइप के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में टच हो जाए, आपको बस प्रैक्टिस करनी हो, राइट। तो बाकी हर टाइप का क्वेश्चन आपको पता हो कि ये ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले मैं इसको थोड़ा लिख लेता हूँ, राइट, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें भी आपको बिल्कुल सेंटेंसेस गिवन होते हैं, जैसे कि पहला सेंटेंस है थिन पेपर नीटली फोल्डेड, फिर इसका कोड दिया होता है, वो अभी कोड लिखता हूं मैं, 4 people from USA, then next urban development program equal word either launched। इसको थोड़ा अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड फोर्थ सेंटेंस इज दया लाइक्स 40s हीरो। अब यहां पे कोड गिवन होते हैं आपको, जैसे कि @D6%R5 #N4 ?Y6। ये हमें जैसे चार कोड गिवन है, यहां पे भी सेकंड के लिए भी चार कोड दे रखे हैं, 4%6 #A3 then @R4। फिर आते हैं हम इस पे %E9 *T11 #N5 &D8। फिर आते हैं हम @E7 &E5 *A5 then $04। ये हमें गिवन होते हैं, सेंटेंसेस गिवन होते हैं और साथ में कुछ कोड दिए होते हैं, उनके सिंबल्स भी दिए होते हैं, उसमें न्यूमेरिक नंबर भी दिए होते हैं, अल्फाबेटिक भी दिए होते हैं, राइट। तो ये मिक्स करके कोड इन्होंने दे रखे होते हैं। अब यहाँ पे जैसे सबसे पहले तो आपको एक और बात बता देते हैं, इन क्वेश्चन में आपको लॉजिक ढूंढना होता है
ये जंबल्ड होते हैं, ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट का फर्स्ट के साथ कोड है, सेकंड का सेकंड के साथ, जैसे हमारे थर्ड टाइप में था वैसे इसमें भी रहता है, जंबल्ड होते हैं। लेकिन इन्होंने ये किसी हिसाब कोई लॉजिक लगाया होता है कि ये ऐसे करके कोड ये कैसे बने। ये एक सेंटेंस से भी आप निकाल सकते हो, कंपेयर करके भी निकाल सकते हो, राइट। और जैसे अब मैं यहाँ पे देखूँ, पहले मैं नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे देखूंगा, ठीक है, जैसे चार लेटर हैं, पांच लेटर हैं, छह लेटर हैं और छह। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आपके चार वाला कोड भी है, पांच वाला भी है, एक छह वाले दो हैं, यहाँ पे भी छह नंबर ऑफ लेटर्स वाले दो थे। इसका मतलब मुझे कम से कम ये तो पता लग गया कि फोर लेटर वाले का कोड ये होगा। वो क्या दे रखा है आपका, अगर मैं देखूं तो वो ऐसे करके दिया है वह एन फोर, राइट। और उसके बाद पेपर फाइव वाला कौन सा देगा, परसेंटेज आर एस, राइट। कम से कम हम इन दोनों का मुझे कोड पता लग गया, मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट करके इनमें ये देख सकता हूं कि बाकी जो इनके साथ कोड दे रखा है, जो भी उसके लेटर या न्यूमेरिक या सिंबल दिए हैं, वो किस बेस पे दिए हुए हैं। अगर मैं देखूं, ये तो हो गया नंबर ऑफ लेटर, राइट। एन, एन को अगर आप देखोगे जो अल्फाबेट दिया वो तो लास्ट लेटर दिया, जैसे इसमें भी देखो आर अगर देखोगे पेपर का लास्ट है, राइट। तो इसका मतलब नीटली का भी मुझे पता लग जाएगा, आउट ऑफ दीज टू ये हमारा नीटली का होगा, क्वेश्चन मार्क वाई और सिक्स, क्यों, नंबर ऑफ लेटर सिक्स है, लास्ट लेटर क्या वाई है, और ये क्वेश्चन मार्क तो सिंबल है कोई, अभी सिंबल का नहीं हमें पता। अब इसका इसका मतलब इसका होगा एट द रेट डी सिक्स। तो हमें अल्फाबेट किस बेस पे दिया था, कई बार वो फर्स्ट अल्फाबेट देते हैं, कई बार क्या करते हैं सेकंड अल्फाबेट दिया होता है हर एक वर्ड का, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, आपने ये चीज डिकोड करनी होती है। यहां पे क्या था, एक तो नंबर ऑफ लेटर्स के हिसाब से उसने न्यूमेरिक नंबर दे रखे हैं, ये चीज। दूसरा जो अल्फाबेट दिया हुआ है वो लास्ट लेटर दिया है हर एक वर्ड का। अब आते हैं हम सिंबल्स पे, सिंबल्स पे अगर मैं देखूं, अगर मैं सेकंड के साथ इसको कंपेयर करूं मेरे बच्चे, तो देखें अगर हम, इसने क्या किया, फर्स्ट लेटर्स के हिसाब से सिंबल दे रखे हैं, जैसे जो लेटर टी से स्टार्ट हो रहा है उसका ये सिंबल दिया है, जो पी से स्टार्ट हो रहा है उसका परसेंटेज, जो एन से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन मार्क, जो एफ से स्टार्ट हो रहा है एट द रेट। देखते हैं हमारे सेकंड सेंटेंस में एफ के दो हैं, एक है फॉर और एक है फ्रॉम, राइट। देखते हैं क्या उसने परसेंटेज दो बार दिया है इसमें, अगर हम देखें एट द रेट दो बार दिया है, क्योंकि एफ वाला किससे स्टार्ट हो रहा है एट द रेट से। तो अगर मैं देखूं यहां पे भी एट द रेट है, यहां पे भी एट द रेट, इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट लेटर किससे स्टार्ट हो रहा है उस हिसाब से इसने ये दे रखे। अब वहां पर डिपेंड करता है, हो सकता है वहां पे सेकंड लेटर के हिसाब से दिया हो, मैंने बोला हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे हो रहा था, ये जस्ट मैंने एक आपको बताया कि देखो क्या होता है, नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से न्यूमेरिक नंबर दिए, लास्ट लेटर हर एक वर्ड का वो भी दे रखा है उसने, और साथ में सिंबल्स किस बेस पे दिए हैं, फर्स्ट लेटर किससे स्टार्ट हो रहा है। जैसे सपोज करते हैं पेपर हमारा पी से स्टार्ट है, यहां परसेंटेज इसका दिया है, इसका मतलब जहां पे भी यहां पे पी से स्टार्ट हो रहा होगा वहां परसेंटेज होगा। सेकंड सेंटेंस में पी से पीपल है, ठीक है ना, और छह लेटर का, तो देखते हैं परसेंटेज ये वाला, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, परसेंटेज ई सिक्स, परसेंटेज ई एंड सिक्स, राइट। तो यहां पे भी अगर हम देखें पी से एक और स्टार्ट है, इसका होगा परसेंटेज ई, कितने टोटल है इसमें नाइन, तो ये वाला हो गया परसेंटेज ई नाइन, ये दे रखा है, ठीक है ना। तो ये हमारे, हमने जैसे ये कोड निकाल दिया, हमारा फिर क्वेश्चंस करना बड़ा सिंपल हो जाता है। लेकिन ये कोड निकालने में इनका थोड़ा आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सीखोगे आप लोग, जितने क्वेश्चन करोगे आपको पता लगेगा, अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब इसके साथ जैसे क्वेश्चन दिया था, इसने पहला क्वेश्चन यही बोला है, व्हाट इज द कोड फॉर पीपल, पीपल का कोड बताओ, तो पीपल का कोड तो वो हमने निकाला हुआ है, पीपल का कोड क्या था, परसेंटेज ई और सिक्स। फिर इसने क्या कहा, एक कहता बताओ स्टार ए फाइव किसका होगा, अब इसने कोड दिया हुआ है स्टार ए फाइव, तो कहता किसका कोड होगा ये। अब देखते हैं स्टार ए फाइव हमारा इधर है, अब इसका मतलब इनमें से किसी का होगा, पहले तो नंबर ऑफ लेटर फाइव होने चाहिए, एक ये और एक ये, और उसका लास्ट क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, तो वो दया का है, तो ये आ जाएगा हमारा दया का, ठीक है।
तो ऐसे करके हमने निकालने होते हैं। फिर इसने बोला तो कोड फॉर फोर, फोर का कोड बताओ क्या होगा। अब फोर का नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, फोर, लास्ट लेटर क्या है, आर, और एफ किससे स्टार्ट हो रहा है वो देख लेते हैं हम, एफ किससे स्टार्ट है, एट द रेट, तो ये हो गया एट द रेट आर फोर। ठीक है, तो ये निकालना आसान होता है आंसर्स, लेकिन आपको डिकोड करना जो स्टार्ट में है उसका थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। तो ये हमारा था लास्ट टाइप की, जो न्यू पैटर्न आजकल हमारे कोडिंग डिकोडिंग आती है, ये उसका उस टाइप का क्वेश्चन था। तो आपने इसको ध्यान से समझना है, इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और सब्सक्राइब और लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, ताकि जिनको और कोडिंग डिकोडिंग में प्रॉब्लम आए वो भी इसको देख पाए, राइट। तो आज का हम इतना ही रखते हैं, ये जो हमारा स्पेशल सेशन था कोडिंग डिकोडिंग, होपफुली आपने इसको देखा होगा ध्यान से, समझा होगा। अब प्रैक्टिस करें आप क्वेश्चंस की, राइट। तो जो डाउट्स होते हैं वो आप हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या हमारे यहाँ पे भेज देना, तो हम उसको सॉल्व करके आपको दे देंगे, राइट। तो आज का हम इतना ही रखते हैं, तो नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे, स्पेशल सेशन में फिर एक नए टॉपिक के साथ, और उसके हर एक टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हाँ सॉरी, मैं ले लूंगा, बिल्कुल लूंगा, ठीक है ना, जो आपको डाउट्स होंगे तो हम ले लेंगे, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है।